जगह जगह पंडालों में देवी माँ विराजमान है। आज महाअष्टमी है, महागौरी की आज पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी शक्तिपीठ में। ये काफी प्राचीन ये मंदिर है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है हर साल नवरात्रि में दर्शन करने आते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, क्योंकि माँ बंजारी की यहाँ पे एक अलग मान्यता है। काफी प्राचीन ये मंदिर कही जाती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो मौजूद हैं। और किस तरह से प्रदीप जी व्यवस्था की गई है, क्योंकि नवरात्रि में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। पिछले 2 साल से कोविड के कारण पहला नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस समय हमारे मंदिर में करीब 1201 ज्योति कलश की स्थापना की गई और सभी के सुरक्षा को देखते हुए अलग अलग ये हुआ है। आज ही अष्टमी का ये हवन भी हो चुका है और कल नवमी है। नवमी आज रात को अपना ज्योति कलश का विसर्जन भी हो जाएगा, कल नवमी का पर्व मनाया जाएगा, है ना। और ये माँ बंजारी देवी वन की देवी मानी जाती है, इसलिए आसपास के क्षेत्र को बगैर पेड़ को काटे हुए हम लोग ने बृहद रूप से एक भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया है, जो करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये काफी प्राचीन ये मंदिर है, माँ बंजारी का जो मंदिर है वो काफी प्राचीन है और काफी इतिहास भी है इस मंदिर का। क्या कुछ है वो इतिहास? पूर्व में बताते हैं कि सन 1956 में आसपास के ग्रामीण जो चरवाहा लोग थे सब आके एक पेड़ के नीचे इनको दिखे, उस समय से उन लोगों ने पूजा करने चालू कर दिया। पहले दूसरे तिवारी फैमिली ये कहते थे। पिछले 2 साल से ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और ये विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नया मंदिर भी प्रस्तावित है, इसमें उसमें क्या कुछ खास रहेगा? अभी मंदिर में बृहद रूप से बनना है। फर्स्ट फेज में ज्योति कलश रूम का स्थापना 3 मंजिल का निर्माण का दिवाली के बाद प्रारंभ हो जाएगा इसमें, जिससे आसपास के दर्शनार्थी आएंगे उसको दर्शन सुलभ तरीके से हो सकता है। तो बंजारी माँ का ये धाम जो है काफी प्राचीन है, काफी प्रचलित ये धाम है, देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। पंडित जी, माँ बंजारी का धाम जो है काफ़ी प्रचलित है, खासकर ये जो यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित है वो काफ़ी खासियत यहाँ की है। देखिए, माँ बंजारी मंदिर स्वयंभू मंदिर है यहाँ पे और दूर दूर से जो है भक्त यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पे मन्नत के लिए नारियल भी बंधाते हैं माता जी के नाम से, और हमें ऐसे मतलब यहाँ पूजा पाठ करते हुए जितना समय बीता है उसमें हमको देखने को मिला है यहाँ पे कि वो नारियल बंधाते भी हैं और 6 महीना साल भर में वापस खुलवाने भी यहाँ पे आ जाते हैं मंदिर में। तो निश्चित ही माता जी यहाँ पे जागृत अवस्था में है और बाहर से जो आने वाले हैं वहाँ एक शक्ति यानी शक्ति का अनुभव करते हैं। माता जी जिस अवस्था में है वो शक्ति सभी अनुभव करते हैं। नवरात्रि का आज 8वां दिन था, हजारों की तादाद में जो है भक्तों की यहाँ भीड़ सुबह से लगी रही थी, अभी भी जो है भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। महाअष्टमी की अपनी एक विशेषता है। जी हाँ बिल्कुल, महाअष्टमी में आज दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों से जो है हमारे यहाँ के ट्रस्ट कमेटी के द्वारा और जो यहाँ पे भक्त थे उनके द्वारा हवन की गई। लगभग 3 घंटे के आसपास यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हवन चला, पूर्णाहुति भी हुई और बलि की प्रथा, चूंकि पहले बकरे की बलि की प्रथा थी उसे बंद करके अब रखिए की बलि की जो प्रथा है वो चालू की गई है और निश्चित ही एक बेहतर वातावरण बंजारी मंदिर में बना है। बहुत सारे भक्त जो हैं जिस आस्था से यहाँ पे माता जी के दरबार पे आए थे, निश्चित ही उनकी मनोकामना है वो जल्दी ही पूरी होगी। महाअष्टमी के पर्व पर यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया और माँ बंजारी का जो धाम है वो काफ़ी प्रचलित है। प्रदीप जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि कोविड काल में काफ़ी सारे प्रतिबंध थे, अब वो प्रतिबंध अब सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा लिया गया है, इसलिए आप देख रहे हैं भीड़ के माने कोविड के बाद ये प्रथम उत्सव है, इसलिए मान के चले कि आज
पंचमी के बाद से यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, माने पर डे कम से कम 5 से 6 हज़ार दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे असल में क्या है, पार्किंग की सुविधा है, रात को आप देख रहे हैं वातावरण एकदम शुद्धता रहती है, इसके कारण से और आदमी श्रद्धालु लोग आके बैठे रहते हैं मंदिर में, पूरा दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन बड़ा बारीकी से यहाँ पर किया जा रहा है। एक चीज़ और देख रहे हैं हम कि इस पूरे परिसर में और कई सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, मंदिरें हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ गणेश माने राधा कृष्ण मंदिर है, शंकर भगवान के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की है, बजरंग बली की है, और बालाजी भगवान की भी यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, जो सभी प्रकार के दर्शनार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो माँ बंजारी का ये जो धाम है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चूँकि कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन हो रहा है, और एक लंबे अंतराल के बाद लोगों को दर्शन जो है अच्छे से करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ऐसे में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो उस समय को नहीं गंवाना चाहते हैं और बड़ी संख्या में वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माँ बंजारी धाम में जो है लोगों की मनोकामना के लिए यहाँ ज्योति जलाई जाती है। आप देख सकते हैं ज्योति कक्ष का भी निर्माण किया गया। अभी जो नया प्रस्तावित मंदिर है उसमें भी सबसे पहले ज्योति कलश का ही निर्माण होना है, चूँकि लोगों की मनोकामना के लिए ज्योति जलाई जाती है। आप जो है वो यहाँ बड़ी संख्या में करीब करीब 1201 यहाँ पर ज्योति कलश जल रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, काफ़ी प्रचलित ये मंदिर है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ज्योति जलाने आते हैं। हाँ, अभी हमारे पास टोटल 1500 की ज्योति कलश की स्थापना की व्यवस्था है। अब आने वाले दिनों में हम लोग 3000 का ज्योति कलश रखने का व्यवस्था किया जा रहा है, जो अभी निर्माण प्रस्तावित निर्माण में दिवाली के बाद पुनः चालू हो जाएगी। तो 1201 ये ज्योति कलश आप देख रहे हैं, बड़ा भव्य रूप से यहाँ पर ज्योति कलश जो है वो जगमगा रहा है, और जो दर्शनार्थी है वो यहाँ पहुँचकर ज्योति कलश का दर्शन कर रहे हैं। सारी जो व्यवस्था है वो जो है की गई है, लोग आते हैं दर्शन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जो कोविड का जो काल है वो गुजरने के बाद एक लोगों में अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है इस नवरात्रि में, जब वो मंदिरों में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। 9 दिन जो नवरात्रि का है उसमें सभी मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और जो पंडाले हैं, जो देवी पंडाले हैं, वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिबंध थे पिछले 2 साल में वो सारे ख़त्म हैं, और इस बार लोगों को एक अच्छे से दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो मिल रहा है, तो लोग उसको गंवाना नहीं चाह रहे हैं। और बंजारी, माँ बंजारी शक्तिपीठ का ये जो धाम है वो काफ़ी प्रचलित है, देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने। यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी मंदिरें भी बनाई गई हैं, जैसे काल भैरव का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे और कई मंदिर हैं, क्योंकि ये परिसर बड़ा है, जंगल के बीच में ये परिसर है। और जैसे अभी यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर सन 1956 में जो स्वयंभू माँ बंजारी है उसकी जानकारी लगी, जिसके बाद तब ये एक जंगल हुआ करता था, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है, तब ये जंगल हुआ करता था, और आज भी इसके जो आसपास है चारों ओर उसको जंगल ही रखा गया है। यहाँ पर पेड़ काटना जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि माँ बंजारी जो है वनों की देवी मानी जाती है। आज महाअष्टमी के मौके पर यहाँ हवन का जो काम है वो किया गया है, हवन पूजन का जो कार्य है वो यहाँ पर किया गया है, और श्रद्धालु जो हैं वो आके दर्शन कर रहे हैं। आज महाअष्टमी का पर्व है, काफ़ी एक 2 साल कोरोना के बीते लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पाते थे, इस बार काफ़ी अच्छे से लोग अब दर्शन कर पा रहे हैं, एक अलग उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में। जी भैया, बहुत मुझे कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। माता जी का नवरात्रि 2 साल से अभी मनाया नहीं गया था, इस साल से सभी जगह बैठा है। तो जो श्रद्धालु है वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, माँ बंजारी के जो दर्शन है वो कर रहे हैं। आज महाअष्टमी का जो पर्व है वो मनाया गया है, यहाँ पर हवन पूजन की गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, हवन
जो की गई है उसमें हवन कुंड में डाल रहे हैं। अब ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो माँ बंजारी धाम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित मंदिर से देख रहे हैं, जहाँ पर आज महाअष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक माँ बंजारी शक्तिपीठ, काफ़ी प्रचलित ये शक्तिपीठ है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और जो है अपनी मनोकामना के लिए ज्योत जलाते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर नारियल भी बांधे जाते हैं जैसे यहाँ जो पंडित हैं उन्होंने बताया। और अलग अलग यहाँ पर छोटी छोटी मंदिरें भी बनाई गई है, ज्योति कक्ष बनाया गया है, 1500 तक ज्योति कक्ष जलाने के यहाँ पर जो कक्ष है वो निर्माण किया गया है। और जो प्रस्तावित मंदिर है उसमें 3000 के आसपास ज्योति कलश जलाने की व्यवस्था होगी। जैसे आप ये भगवान राम जानकी लक्ष्मण मंदिर है, ये जो है विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी धाम के इस मंदिर में है। और जो श्रद्धालु आते हैं माँ बंजारी का दर्शन करने वो ये इन मंदिरों में भी आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना मांगते हैं, पूजा करते हैं, प्रदेश देश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण माता सीता और हनुमान जी का ये जो मंदिर है वो है, श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उसके अलावा ही और भी कई मंदिरें यहाँ पर है, जैसे भगवान शिव का ये मंदिर है यहाँ पर, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर भी कहा जाता है और काफ़ी पहले इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, धीरे धीरे करके अब जो जगह है वो बढ़ाया जा रहा है। अब कुछ समय बाद यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनना प्रस्तावित है जिसका काम अब कुछ समय में शुरू हो जाएगा। तो माँ बंजारी का जो धाम है वो काफ़ी प्रचलित है और उस हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं इस बार की नवरात्रि में की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और हमारे साथ एक श्रद्धालु भी मौजूद हैं। माँ बंजारी का धाम काफ़ी प्रचलित धाम है, काफ़ी प्राचीन ये धाम है। नवरात्रि के 9 दिन पिछले 2 साल और अब इस साल के 9 दिन काफ़ी अंतर है देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल था। आप लोग भी अब दर्शन करने आ रहे हैं, अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो पहले जो 2 साल कोरोना का समय गुजरा है उसमें तो भक्तों को काफ़ी परेशानी हुई है, और अभी जो सुविधा है वो पूर्ववत हो गया है, पहले 2 साल पहले जैसा था। तो लोगों में बहुत ही श्रद्धा भाव और एक माँ के प्रति जो आस है नवरात्रि में खूब आनंद पूर्वक मना रहे हैं और ये श्रद्धा बनी रहेगी इस प्रकार। ठीक, माता के दर्शन किए हैं आप अच्छे से इस साल, क्योंकि 2 साल तो ऐसा नहीं मिल पाया था, इस बार अच्छे से दर्शन किए हैं, क्या मांगे हैं माँ से? हाँ, माँ से तो यही मांगे कि पूरा संसार जो है सुखी जीवन रहे, क्योंकि सब आनंद रहें, कुशल रहें और सबका कार्य चलता रहे सुचारू रूप से, यही माँ से प्रार्थना है। तो जो 2 साल बीता है वो एक अलग था और इस बार एक अलग माहौल में लोग दर्शन करने आ रहे हैं, माँ बंजारी के दर्शन करने आप पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं माँ से? माँ से तो सभी भीख में मांगते ही हैं भैया जी, बस बच्चे अच्छे रहे, माँ बाप के साथ जिंदगी में साथ रहें, यही मांगे हैं। अच्छा, 2 साल बाद एक अच्छा दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो मिला है, क्योंकि 2 साल कोरोना संक्रमण ने लोगों को घेर रखा था, कहीं आना जाना सब प्रतिबंधित। हाँ, वो मन में एक कशक सबकी रह गई थी कि माता रानी ये जल्दी से कोरोना ख़त्म कर दे, इस बार बड़ा अच्छे से मौका मिला है तो परिवार के साथ सब दर्शन करने आए हैं। छुट्टी भी थी तो कहीं ले जा नहीं पाते थे, अब ये 3 साल की हो गई है बच्ची, तो इस बार बड़े अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में कहीं आना जाना नहीं हो पाता था, इस बार वो जो प्रतिबंध थे वो खत्म हो गए हैं, माता रानी का अच्छे से दर्शन भी हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह से मन में एक अलग उत्साह होगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा, माता रानी का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, कोरोना काल में सब बंद था वो सब चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी की कृपा है सबके ऊपर जी, धन्यवाद। तो लोग सह परिवार यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे साथ एक बच्चा भी है, मासूम बच्चा, कैसा लग रहा है अब? माता रानी का दर्शन किया, दर्शन किए, बता बोलो, बंजारी माता की जोर से बोलो, बोलो जय बंजारी माता की जय। सह परिवार लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2 साल जो बीता है वो उसकी कसक लोगों में रह गई थी कि वो दो साल थे कोरोना काल के उसमें वो दर्शन नहीं कर पाते थे ठीक से, लेकिन इस बार
माता रानी की कृपा से वो सारी चीजें दूर हुई, वो कष्ट दूर हुए और आज लोग बड़ी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। भगवान हनुमान का यहाँ पर जो मंदिर है वो है काफ़ी प्राचीन, ये मंदिर है संकट मोचन हनुमान का। लोग जब माँ बंजारी के दर्शन करते हैं तो बारी बारी से सब मंदिरों में आते हैं, उन मंदिरों के भी दर्शन करते हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि लोग एक एक करके कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर बाकायदा पालन किया जा रहा है, दूरी बनाकर लोग दर्शन कर रहे हैं और हर वो चीज़ जो प्रतिबंधित है, जो चीज़ें कोविड को बढ़ावा देती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी लागू की गई है। जो दूरी है वो बनाने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है और क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित ये धाम है और यहाँ पर अक्सर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। 9 दिन नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो बेहद खास होते हैं, तो यहाँ पर वो 9 दिन काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और वो 9 दिनों के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है कि लोग ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा ना हो, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो हो रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरह से और यहाँ पर छोटी छोटी मंदिरें हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं और आप लोग दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि एक अच्छा दर्शन अब 2 साल बाद मिल रहा है माता का। कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा, दो तीन साल बाद बहुत अच्छा देखने को मिला है। लॉकडाउन में तो अपन परेशानी हो गए थे, माता का दर्शन ही नहीं कर पा रहे थे, अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बोलो जय माता की जय, बोल बंजारी धाम की जय। तो लोगों में एक अलग से उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद 2 साल 2.5 साल का जो समय है वो बीतने के बाद इस साल की नवरात्रि बेहद खास है, क्योंकि इस बार आप लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो नागपुर से आते हैं नवरात्रि में, अभी यहाँ पे बंजारी माता के दर्शन करने आए, ये मेरी पत्नी है। हेलो, हर साल दशहरा नागपुर से यहाँ पे आते हैं, 6-7 दिन रहते हैं। यहाँ का जो माहौल है रायपुर छत्तीसगढ़ का है ना, वो यही पले बड़े हम लोग, एक्चुअल में नौकरी है तो नागपुर में है, यहाँ का जो माहौल रहता है वो तो अलग ही रहता है, सब मज़ा आता है वो ना। और इस समय अच्छा लग रहा है, 2 साल जो नहीं हो पाया था कोरोना में, तो अच्छा लग रहा है। अभी मातेश्वरी संभालेंगी आगे भी अच्छे से, है ना। बोलो बंजारी माता की जय। तो एक जो उत्साह है वो इस बार देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबकी एक अपनी अपनी मनोकामना होती है, उसकी पूर्ति के लिए लोग ज्योत जलाते हैं। ये नारियल जो है वो आप देख सकते हैं, मनोकामना के लिए नारियल बंधा गया है, बाकायदा इसमें नाम भी लिखा है कि किसके द्वारा ये नारियल बांधा गया है। उसकी मनोकामना अगर पूरी हो जाती है तो वो लोग आके इस नारियल को निकलवाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी मनोकामना जो है वो माता ने पूरी कर दी है। तो काफ़ी प्रचलित बंजारी माता का ये जो मंदिर है वो है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और ये एक दूसरा और ज्योति कक्ष है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ ज्योत जलाने पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है ज्योत जलाते हैं, मनोकामना ज्योत। तो उसके लिए जगह छोटी ना पड़ जाए इसलिए अलग अलग जगहों पर ज्योति कक्ष की स्थापना की गई है। 2 ज्योति कक्ष वर्तमान में है, जहाँ पर 1201 यहाँ पर ज्योति कलश जो है वो जलाया गया है और माता के मनोकामना के लिए जो है वो ज्योत जलाया जाता है। और आप देखें भी कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने नारियल बांधे हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और जब वो मनोकामना पूर्ति हो जाती है तो उस नारियल को बकायदा कि वो निकलवा लेते हैं, इसका मतलब उनकी मनोकामना पूरी हो गई है। तो माता जो है वो सभी की मनोकामना पूरी करती है और माँ बंजारी का जो धाम है वो वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। देखे जैसे अब एक मासूम बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पहुँची हुई है। आज महाअष्टमी का पर्व है, पहले दर्शन 2 साल अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते थे, आज आप लोग सपरिवार जो है दर्शन करने आए। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। उत्साह है, कैसा आते हैं? हर साल आते हैं। कैसा उत्साह है, क्योंकि कोरोना में काफी प्रोटोकॉल था, काफी प्रतिबंध थे,
इस बार वो सारी चीजें छूट गई हैं, एक अच्छा शुरुआत जो हुआ है नवरात्रि में वो है, कैसा उत्साह है? नहीं, उत्साह बहुत अच्छा इस साल, और हर साल इस मंदिर में आते हैं हम लोग दर्शन के लिए, ज्योत भी जलाते हैं मैया जी का, और दोनों बंजारी मंदिर में जाते हैं। देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह का उत्साह है, सब परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ बंजारी शक्तिपीठ के दर्शन कर रहे हैं, माँ बंजारी का दर्शन कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए ज्योत जला रहे हैं, नारियल बांध रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और खासकर इस बार लोगों के मन में ये है कि माता से सिर्फ एक ही चीज़ वो ज़्यादा मांग रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण का जो दौर था वैसा दौर अब कभी ना आए, क्योंकि वो एक दौर ऐसा था जहाँ पर चीज़ें जो थी वो थम गई थी, तो ऐसा दौर कभी ना आए। और उस तरह से कोरोना के बाद इस बार जो है काफ़ी अच्छे से मंदिरों में अब पूजा हो रहा है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह है? उत्साह यहाँ पे 92 से मैं आ रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो उस समय यहाँ कुछ था नहीं, मगर माता कर श्रद्धा के लिए श्रद्धालुगण उतने ही थे जितना आज भी है, तो कोरोना से मेरे ख्याल से उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, बस उस समय लॉकडाउन के हिसाब से अभी लोग आना जाना थोड़ा सा दिक्कत में था, और प्रशासनिक जो यहाँ पे लगा हुआ था, यूनिवर्सिटी है, प्रशासन पूरा सख्ती में था, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, मगर कभी ऐसा कोरोना के बाद से भी उत्साह उतना ही है, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कोई ऐसे जगह पे हैं जो नॉर्मल मंदिर हो, यहाँ से आस्था बहुत जुड़ा हुआ है और मनोकामना हमेशा पूरा हुआ है। मैं शायद अभी 35 साल का हो गया हूँ, मैं 2002 से आ रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू, तो मेरे को हमेशा माता के ऊपर आशीर्वाद रहा है, और आज जो भी है सब चीज़ें बेटी हुई है मेरी, तो सब माता के ही है आशीर्वाद से, सब अच्छा रहा है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत पुराना और कुख्यात मंदिर है, माता खुद प्रकट हुई थी यहाँ, तो आस्था तो रह गई यहाँ। तो एक शक्ति का एहसास जो है वो इस मंदिर परिसर में आने से ही भक्तों को हो जाता है, क्योंकि प्राचीन ये मंदिर में स्वयंभू माँ बंजारी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जब भी इस परिसर में लोग प्रवेश करते हैं तो एक शक्ति का एहसास उन्हें हो जाता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, ज्योत जलाते हैं, नारियल बांधते हैं और माँ से मनोकामना मांगते हैं। तो इस तरह से ये जो नवरात्रि का पर्व है वो अब बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, राजधानी रायपुर में भी खासा उत्साह के साथ नवरात्रि का जो पर्व है, शारदीय नवरात्रि का पर्व है, वो मनाया जा रहा है। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ, बैक टू स्टूडियो।